भारतीय किसान संघ ने किसानों के बीटी बैंगन के विरोध में प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि बीटी बैंगन को प्रदेश स्तर पर ट्रायल के लिए अनुमति मिली है, जिसका विरोध किसानों ने किया है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने बीटी बैंगन की फसल को मध्य प्रदेश में ट्रायल के लिए अनुमति दी है, जिसका कोई मानक स्तर नहीं होने से किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान किसान संघ ने बताया कि बीटी बैंगन का दूरगामी परिणाम अत्यंत घातक है, जिस पर रोक लगाना अति आवश्यक है। इसी के चलते हमने मुख्यमंत्री को बात से अवगत कराने और अनुमति वापस लेने के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। मुख्य मांग तो हमारी बीटी बैंगन को लेकर, जो प्रदेश में जीएम मोडिफाइड बीज, जो जेनेटिक मोडिफाइड बीज है, जो मानव के लिए बहुत ही घातक है, उसके बाद भी उसको ट्रायल के लिए मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से छूट दी गई, हम चाहते हैं कि उसे छूट न दी जाए। वैसे भी सब्जी फल जो हमारे देसी है वो तो कम ही हाइब्रिड ही रह गए, मगर उसके माध्यम से भी वो काफ़ी मात्रा में है जो रोड पर फेंके जा रहे हैं। और जब एक बीज, जो जहरीला बीज हमारे यहाँ बीटी कॉटन के नाम से है, उसका हमने दुर्गामी परिणाम देख लिया है कि हमने लंबे समय में बताया गया है इस पर पेस्टिसाइड नहीं लगेगा, इस पर कीटनाशक नहीं लगेगा। भारी भरकम कीटनाशक पेस्टिसाइड लगने के बाद में वो ज़्यादातर खाने की इस चीज़ में कम इस्तेमाल होता है, बीटी बैंगन सीधा खाने की इस्तेमाल होता है। इसलिए मानव जीवन और प्रकृति को देखते हुए जिस प्रकार का निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, हम चाहते हैं कि ये जो निर्णय है तत्काल वापस लिया जाए, क्योंकि बीटी बैंगन के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। क्या नाम है आपका? भोपाल पाटीदार, युवा वाहिनी संयोजक, किला खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।